बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में, तो इनके काम को बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना ये एक उद्देश्य रहेगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कुछ अहम विषय जिनके ऊपर चर्चा बताए हम लोग। नहीं नहीं, वो तो प्रस्ताव आपको दे देंगे, जो प्रस्ताव सब पास हुआ है उसको आप देख लीजिए, लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ अभी उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते, 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। झारखंड चुनाव को लेकर बेहद अहम चर्चा, ये सबसे बड़ी और पहली चुनौती अब यही होगी आपके सामने झारखंड? कोई चुनौती नहीं है, झारखंड चुनाव में पार्टी हम लोग बैठेंगे और वहाँ पर क्योंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है तो वहाँ चुनाव लड़ने का हम लोग का उस पर फैसला लेंगे। साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, बताएंगे समय पे आपको। नीट को लेकर सर, नीट को लेकर सर क्या चर्चा है? हम लोगों ने प्रस्ताव में दिया है, कॉपी हम कहेंगे आपको दे दें। ये कहा है कि भाई इस पर सख्त कानून लाना चाहिए, जो दोषी है अभी उस पर कार्रवाई करना चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा जागृत हो।